जी दोस्तों नमस्कार। आज अपने विज्ञान का एक टॉपिक लेके आए हैं, हरित गृह प्रभाव। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें से पेपरों में हर बार दोस्तों प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। आप सबने एक चित्र देखा होगा बचपन में किताबों में, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना होगा। रफ चित्र ही बना रहा हूँ मैं आपके सामने फटाफट में। तो देखो इस तरह से आपने एक चित्र बना होगा, देखा होगा दोस्तों। हाँ जी, तो देखो इसके अंदर ये पौधे पड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों, पौधे पड़े होते हैं इस तरह से, और यहां से सूर्य की किरणें आ रही होती हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो सूर्य की किरणें हैं दोस्तों, ये आ तो जाती है अंदर, लेकिन ये बाहर नहीं जाती है। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इस तरह से चौरस एक डब्बा, ये हरे कांच के घर है दोस्तों। क्या है ये? हरे कांच के घर है, ठीक है दोस्तों। और ये पौधे रखे हुए हैं, और इससे होता क्या है दोस्तों, अब इसको समझते हैं अपने, ठीक है। तो देखो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो दोस्तों इसको, ठीक है। होता क्या है, ये बर्फ पर घर बने होते हैं दोस्तों। ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर कहाँ बने होते हैं? बर्फ पर ये घर बने हुए होते हैं, और वहां का जो तापमान है वो अत्यंत कम होता है। तापमान क्या होता है दोस्तों? बहुत ही कम होता है, तापमान कम होता है। अब तापमान कम होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो देखो तापमान जब कम होता है तो यहां पर खेती और पादपों की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये क्या करते हैं, हरे कांच के घर बनाते हैं। सूर्य की किरणें इस तरह से प्रवेश करती है और दोबारा बाहर नहीं जा पाती है दोस्तों, ठीक है। दोबारा बाहर नहीं जा पाती है, प्रवेश तो करती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती है। इसके कारण क्या होता है, यहां का तापमान बढ़ जाता है, तापमान क्या दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया के अंदर जो कार्यक्रम ये चल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको। अब देखो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, हरित गृह प्रभाव के कारण क्या है, यहां का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण ये कार्यक्रम हो जाता है, ओके दोस्तों। अब सुनो, तापमान में होने वाली वृद्धि को आजकल एक शब्द दिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय उष्मीकरण, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रश्न आता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके अंदर प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है दोस्तों? प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ओके दोस्तों। को देखो इसके अंदर जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये याद नहीं रहती है कि कौन सी, आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसें और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, वो आप ट्रिक याद कर सकते हो, उस ट्रिक से आपको ये सारी याद हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो देखो जैसे ट्रिक है ओ मीना, ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है, ओ मीना कल का जल लाना, ये ट्रिक है दोस्तों। इसके अंदर सारी मुख्य मुख्य ग्रीन हाउस गैसें आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें इसके अंदर आ जाएंगी। तो देखो कौन कौन सी गैसें हैं, सबसे पहले है देखो ओ से ओजोन, ठीक है, ओ से कौन सी गैस है दोस्तों, ओजोन। ओजोन को अपने O2O3 बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन O2 प्लस आयन O दोनों मिलकर क्या होता है दोस्तों, O3 बनता है ओजोन, ठीक है, नीले रंग की गैस होती है, आपको बताते हैं ओजोन। तो ओजोन सबसे पहले O3, ठीक है, नंबर दो मीना। अब मीना से क्या बनेगा, देखो मी से मीथेन गैस होती है, आप सबने सुना होगा दोस्तों मीथेन, ठीक है दोस्तों, मीथेन जो होती है इसको अपने CH4 ये प्रतीक चिन्ह है, आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से मीथेन गैस। फिर देखो उसके बाद आगे अपने पढ़ते हैं ना से कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को अपने किससे संबोधित करते हैं, N2O, ओके दोस्तों। फिर देखो नंबर चार जो है वो कौन सी आएगी दोस्तों इसके अंदर, कल का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है
ये सीएफसी कहलाती है दोस्तों, सीएफसी जैसे। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो पांचवा इसके अंदर कौन सा है, तो पांचवा है जल। ठीक है, तो कार्बन, सॉरी का से रह गया का से ट्रिक रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है दोस्तों, CO2। ओके, यहां तक दिखाई दे रहा है दोस्तों सभी को CO2। अब देखो इसके बाद नंबर छह, नंबर छह है दोस्तों जल। जल का मतलब क्या है, जल वाष्प। जल से क्या है दोस्तों, जल वाष्प, लाना साइलेंट है। ठीक है, जल वाष्प, जल वाष्प का मतलब है H2O। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो ये दोस्तों आपके सामने सारी है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ओ मीना कल का जल लाना, ये ट्रिक है। इसके अंदर सारी ओजोन गैसें यानी कि सारी हरित ग्रह इफेक्ट वाली आ गई है। सबसे पहले ओजोन O3, मिथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, फिर है जल वाष्प H2O। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि इसका एक और प्रश्न आता है दोस्तों, उसकी चर्चा कर लेते हैं अपने। एक प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, इस तरह से प्रश्न आता है। हाँ जी दोस्तों, क्या प्रश्न आएगा देखो कि प्रश्न इस तरह से आया हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों, ग्रीन हाउस गैसों का क्रम बताइए। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों का क्रम बताना है। तो देखो ऑप्शन किस तरह से आते हैं, नंबर एक है CO2, ठीक है, फिर नंबर दो है CH4, नंबर तीन है CFC और नंबर चार है N2O। फिर दूसरा ऑप्शन होगा CO2 CH4 N2O और फिर CFC। तीसरा ऑप्शन फिर होगा दोस्तों आगे, हाँ जी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने होगा CO2 N2O CH4 और CFC। चौथा ऑप्शन होगा N2O CO2 CH4 CFC। इस तरह से दोस्तों ये आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो चार ऑप्शन दिए होंगे। अब इसको क्रम से लगाना है दोस्तों, किस से लगाना है, क्रम से। ठीक है दोस्तों, क्रम से लगाना है। तो इसको क्रम से कैसे लगाएंगे, तो देखो कि अपने को पता होना चाहिए ये किस परसेंटेज से है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही उत्तर ये है, CO2 CH4 फिर CFC और N2O। सर ये कैसे हुआ, देखो कि जो CO2 है ये होती है, बाकी अपने मिटा देते हैं। तो देखो CO2 जो है ये 60% होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप नंबर दो है CH4, ये 20% होती है, ठीक है, और CFC, ठीक है, ये 14% होती है, और फिर N2O ये 6% होती है। अब देखो परसेंटेज के हिसाब से आपको पता लग रहा है सबसे अधिक कौन है, 60%, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4 20%, फिर CFC 14% और N2O 6%। इस तरह से यही प्रश्न इसमें सही होगा, ग्रीन हाउस गैसों का क्रम। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा दोस्तों, इसके अंदर से जो जो प्रश्न बनते हैं वो अपने ने देखे मुख्य मुख्य। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर प्रश्न ये आ जाए कि इन सब में प्रमुख गैस कौन सी है, ठीक है, तो याद रखना CO2, ठीक है, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, ओके है? तो आज हम इस टॉपिक को हमने पढ़ा है दोस्तों शॉर्ट में और मेन पर्सन देखे अपने ने। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो जूम ऐप पर। अगर आपने पूरा पढ़ना हो इसके बारे में तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप उस पर पूरी क्लासेज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।